मैं बहुजन समाज पार्टी से समथिंग 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग परिवार से जुड़ा हूँ बचपन से ही, क्योंकि मेरा पूरा परिवार BSP से ही जुड़ा हुआ रहा है और चाचा जी भी मेरे परिवार से भी चुनाव लड़ा गया, तो मेरे चाचा जी भी चुनाव लड़े विधायक का, मान्यवर साहब ने उनको टिकट दिया। अलीगढ़ की इगलास विधानसभा पर चौधरी वीर सिंह एडवोकेट जी वो वहाँ चुनाव लड़े। और BSP से मैं इसलिए जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि BSP की विचारधारा जो है वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, जिन्होंने हमारे मान सम्मान की लड़ाई लड़ी, हमारे मान सम्मान के लिए अपना सब कुछ नौछावर किया। वो विचारधारा जो ज्योतिराव फूले जी की, साहू जी महाराज की, नारायण गुरु जी की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की, और फिर उसके बाद मान्यवर साहब ने उसको आगे बढ़ाया, आज बहन जी उसको बढ़ा रही हैं। इसलिए पूरा दलित वर्ग जो है वो BSP से जुड़ा हुआ है, और मैं भी एक दलित हूँ तो मैं भी उसी विचारधारा में आता हूँ, उसी विचारधारा से प्रभावित हूँ, तो मैं भी जो गवर्नमेंट समाज पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, इसी यही मेरा वो है। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से अपनी पोस्ट डालता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ और मोदी जी के कारनामों को बताता हूँ और महागठबंधन के समर्थन को बताता हूँ कि साहब महागठबंधन को क्यों वोट देना चाहिए, भाजपा ने क्या किया, भाजपा ने धोखा दिया है युवाओं को, खासतौर से युवाओं को धोखा दिया है। युवा आजकल BTech करके MTech करके आता है, BSc करके MSc करके आता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, जब वो हमारा युवा नौकरी मांगता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप पकौड़ा बेचिए, ये पकौड़ा भी तो रोज़गार है, हम उनसे नौकरी मांगते हैं और हमसे कहते हैं पकौड़ा बेचिए, हमने उनको प्रधानमंत्री बना दिया, वो हमसे पकौड़ा बेचने की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फेसबुक के माध्यम से मैं लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ और लोगों को समझ में भी आता है, लोग जुड़ते भी हैं और लोग उसका बाद में धन्यवाद भी देते हैं कि साहब आप लोगों ने हमें किसी तरीके से आप हमको ये बात बताते हैं, तो वो लोग हमें धन्यवाद भी देते हैं। मुझे दलितों को BSP से ज़्यादा कोई बेहतर राजनीति नहीं दे सकती, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की कुर्बानी के बाद ही बहुजन समाज पार्टी बनी है, और जिन्होंने कुर्बानी समाज को दी है उससे ज़्यादा तो कोई हमें कर नहीं सकता, तो कोई भी पार्टी आए तो इस समाज में टिक नहीं पाएगी, वो RSS या कांग्रेस के ही एजेंट होंगे और कुछ नहीं हो सकते वो लोग।